24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। औरैया अछल्ला क्षेत्र ग्राम रामपुर बैस में 15 फरवरी से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चौथे दिन मीडिया अधिकार मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीन सिंगर सहित राष्ट्रीय संगठन मंत्री रवि कठेरिया, रामजी परिहार एवं विवेक मिश्रा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर कथावाचक साध्वी सुमन सरगम जी श्री राम दरबार एवं पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया। बताते चले कि कार्यक्रम के आयोजक उदय बहादुर सिंह एवं ओमकार सिंह ने अपने पुत्र रुद्र प्रताप जिनका जन्मदिन 18 फरवरी को एवं बेटी साक्षी जिसका जन्मदिन 21 फरवरी को है, दोनों पुत्र एवं पुत्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर उनकी दीर्घायु एवं सुखद जीवन की कामनाएं हेतु आयोजित की गई, जिसके व्यवस्थापक एवं स्वागतकर्ताओं में शिव मंगल सिंह, रिंकू सिंह, राहुल सिंह, अंकित सिंह, विवेक सिंह, शिव शंकर तिवारी जी, विपिन सिंह, दीपक शर्मा, अजय साखे, निर्भय सिंह आदि समस्त ग्रामीण बंधु उपस्थित रहे, जहां पर कथावाचक साध्वी सुमन सरगम जी ने भगवान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया। भागवत पांडाल में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है भैया, मीडिया अधिकारी सत्येंद्र सेंगर जी, ये संयोजक अध्यक्ष जी, एक बार तालियां बजाकर जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार,